1624 में आज ही के दिन इंग्लैंड ने स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1801 में आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन में पहली बार जनगणना की गई। आज ही के दिन 1847 में हवाई में पहले सिक्के की ढलाई की गई। 1862 में आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जांजीबार की आज़ादी को मान्यता दी। 1876 में आज ही के दिन अमरीकी आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1872 में आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का जन्म हुआ। उन्होंने रेशमी आंदोलन चलाया था किंतु यह आंदोलन विफल हो गया। 1893 में आज ही के दिन आइवरी कोस्ट फ्रेंच साम्राज्य का हिस्सा बना। 1897 में आज ही के दिन नारी शिक्षा की प्रणेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध कवित्री सावित्री बाई फुले का निधन हुआ। 1922 में आज ही के दिन महात्मा गांधी राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी के बाद 6 वर्ष के लिए जेल भेजे गए। आज ही के दिन 1945 में प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ। 1945 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीकी युद्धक विमानों ने जापान की राजधानी टोक्यो पर भीषण बमबारी की, जिसके लगभग 1,00,000 नागरिक मारे गए। 1946 में आज ही के दिन ब्राजील में हुए रेल हादसे में 1,855 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 1959 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन की नीतियों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। 1969 में आज ही के दिन मार्टिन लूथर किंग के हत्यारे जेम्स अर्ल रे को 99 साल की कैद की सजा सुनाई गई। और आज ही के दिन 2003 में उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया।